तो स्वागत है आप सभी का फिल्मी खबर के एपिसोड नंबर 1 में। तो अभी फिल्मी जगत में कई सारे न्यूज़ आए हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे लेटेस्ट खबर की बात करें तो वो है भुवन बाम की ताज़ा खबर का न्यू सीजन, मतलब सीजन नंबर 2 रिलीज होने वाला है 27 सितंबर को, इसी मंथ। तो उसी का आज ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, यानी 4 सितंबर को 4 बजे SRC कॉलेज, शायद कुछ वैसा ही नाम है, SRC कॉलेज दिल्ली में होने वाला लॉन्च। एंड उसके बाद इस ट्रेलर को यूट्यूब पर भी रिलीज कर दिया जाएगा। देख रहे हो, एक यूट्यूबर वेब सीरीज बना रहा है एंड उसका ट्रेलर लॉन्च का इवेंट हो रहा है, वो भी SRCC कॉलेज में। सल्यूट मैन। तो अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। तो एटली कुमार, जिसने जवान मूवी डायरेक्ट किया था, वही एक न्यू मूवी बना रहे हैं सलमान खान और कमल हसन को लेकर। एंड वो मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी जनवरी 2025 में, जो कि एक एक्शन मूवी होने वाली है। एंड ये मूवी प्रोबेबली साल 2026 के एंड या स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। एंड इस मूवी का प्री प्रोडक्शन वर्क साल 2024 के एंड तक खत्म हो जाएगा एंड 2025 के जनवरी मंथ में इसका शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी वीडियो छोड़ने की सोच रहे हो तो तीसरी खबर है पुष्पा 2 मूवी को लेकर। अभी तो रुकोगे ना। तो पुष्पा 2 मूवी जो कि 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, उसे पोस्टपोन कर दिया गया, जिसे 6 दिसंबर को रिलीज होगी मूवी। मूवी रिलीज होने से पहले जो 70 करोड़ रुपये कमा लिया, मूवी रिलीज होने के बाद क्या होगा भाई हाल। तो चौथी खबर है भूल भुलैया 3 के रिलीज डेट को लेकर। इससे पहले बताया जा रहा था कि भूल भुलैया मूवी दिवाली के टाइम पर रिलीज होगी, बट ये नहीं बताया जा रहा था कि दिवाली के दिन ये मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा। तो 1 नवंबर 2024 को दिवाली है इस साल, तो 1 नवंबर 2024 को सिंघम 3 मूवी आने वाली थी एंड उसी दिन ही आने वाली है भूल भुलैया की पार्ट नंबर 3 मूवी। मारो दोनों, करो कलैश। एंड मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ दिवाली के दिन कौन जाता है मूवी देखने, रात में तो कोई जाने वाला नहीं है एंड दिन में भी कौन जाएगा, पूरे दिन तो काम करेगा लोग। जा सकते हैं हमारे अब्दुल भाई लोग, तो हम भी जाएंगे देखने के लिए। एंड आप कौन सी मूवी देखेंगे सबसे पहले, भूल भुलैया 3 या सिंघम 3? कमेंट, मैं तो देखूंगा भूल भुलैया 3। तो पांचवी खबर है हमारे कंगना दीदी को लेकर। कंगना दीदी की न्यू मूवी इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, जो कि अभी पोस्टपोन हो चुकी है एंड इसका न्यू रिलीज डेट अभी तक नहीं आया है। मेरे ख्याल से थालापति की मूवी गोट के डर से रिलीज नहीं होगी, क्योंकि 5 सितंबर को रिलीज हो रही है, यानी कल रिलीज हो रही है द गोट मूवी एंड अभी एंड उसके बाद 6 सितंबर को इमरजेंसी मूवी को देखने कौन जाता। बट वो लोग बता रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड से अभी तक परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा सीन है जो कि ट्रिम करने को बोल रहे सेंसर बोर्ड, बट वो लोग अभी ट्रिम नहीं किए हैं, उसी चलते मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये एक सही डिसीजन है, नहीं तो मूवी बुरी तरह से पिटती धाकड़ के जैसी। तो छठी खबर है मिर्जापुर के बोनस एपिसोड को लेकर। इसे बताने का मन तो नहीं कर रहा भाई। तो जब इसका टीजर रिलीज हुआ था बोनस एपिसोड का, जिसमें हमको मुन्ना भैया होस्ट कर रहे थे, वो देखने में मुझे इतना मजा आया था। मैंने ट्रेलर का रिएक्शन भी डाला था अपने सेकंड चैनल पे, मैं इतना एक्साइटेड था भाई, मुन्ना भैया कमबैक कर रहे हैं। एंड उसके बाद बोनस एपिसोड देखने के बाद जो हाल हुआ है भाई, मत पूछो भाई। मतलब वो लोग TRP की आर्मी कुछ भी दिखा देंगे। जो मिर्जापुर सीजन 3 इतना बेकार बना है, पहली बात इतना ज़्यादा बोरिंग बना है एंड उसका डिलीटेड सीन, समझो जो मिर्जापुर सीजन 3 में ऐड नहीं हुआ उतना ज़्यादा बोरिंग सीन में, एंड उसका वो डिलीटेड सीन दिखाया गया। डिलीटेड सीन क्या, थोड़ा बहुत जो मिर्जापुर सीजन 3 में था वो दिखाया गया स्टार्टिंग में एंड उसके बाद थोड़े बहुत रिलेटेड सीन दिखाए गए। एंड उसमें मुन्ना भैया कमबैक बोल के क्या दिखाया गया, मुन्ना भैया बस होस्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट में वो भी कंफर्म कर दिया गया कि मिर्जापुर सीजन 4 में मुन्ना भैया नहीं होने वाले हैं, वो बस इतना बताएं कि आते रहेंगे मिलने के लिए, कभी कभार ऐसे ही होस्ट करेंगे बीच में आके, वही होने वाला है एंड वो तो आने वाले नहीं है अब मिर्जापुर कैसे, बट वो बताएं कि लॉयल रहना पड़ेगा मिर्जापुर के लिए। तो सातवीं न्यूज़ है आलिया भट्ट की न्यू मूवी अल्फा को लेकर, जिसमें आपको देखने को मिलेगी ऋतिक रोशन का कैमियो, वो भी वॉर्ड के कबीर के तौर पर। एंड ये स्पाई यूनिवर्स का मूवी है, तो कहीं से कहीं भी कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे देखने को मिलेगा। जब इसका टीजर ट्रेलर आएगा तो शायद ऋतिक रोशन का कुछ सीन देखने को मिल जाए टीजर ट्रेलर में, नहीं तो डायरेक्ट मूवी में देखने को मिल जाए। एंड IMDb पे कास्ट की लिस्ट में उनको भी दिखाया गया है ऋतिक रोशन के तौर पे। तो चलिए, ये तो कंफर्म हो चुका है कि ऋतिक रोशन आपको देखने को मिलेगा अल्फा मूवी में। आठवीं और आखिरी खबर इस वीडियो की, जो क्रिस 4 में आपको ऋतिक रोशन के साथ श्रद्धा कपूर देखने को मिलेगी। ये रूमर से तरफ से खबर आई है, मैं पहले क्लियर करवा देता हूँ, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, बट रूमर से खबर ज़्यादातर सही होता है, पर रूमर से खबर ज़्यादातर सही हो जाता है पता नहीं कैसे है। तो ये बात भी सही होगी तो मज़ा आ जाएगा क्रिस 4 में श्रद्धा कपूर को देखकर। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ऐसी खबरों की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 10 लाइक कर दीजिए, 10 लाइक पे ही मैं मोटिवेट हो जाऊंगा एंड आपके लिए सेकंड एपिसोड लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।